हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी क्लास 12 के फिजिक्स स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2024 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। यूजिंग एम्पियर सर्क्यूट लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी नियर अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए बड़ा सिंपल है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एक पॉइंट पी है, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्क्यूट लॉ। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले एक पी पे पी से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप बनाते हैं हम लोग, एक एम्पियर लूप, ठीक है, एक एम्पियर लूप है। इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, करंट यहां से निकल रहा है, यहां पे पॉइंट पी है, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से, हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर होगा, मतलब इस पॉइंट पे टैंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस नो, टेंजेंशियली एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी मान लेते हैं। और किसी भी पॉइंट में आप लोगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा टेंजेंशियली होगा, यस नो, दीज आर द डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एम्पियर लूप, ये आपका एम्पियर लूप है। एम आई क्लियर? अब हमें पता है ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही बोलता है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए, डीएल पहले ले लेते हैं, डीएल यहां पे ले लो, डीएल मान लो, ये डीएल 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 यस नो, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, BL, DL और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका कहीं पर भी देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, कांस्टेंट है, B क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है एट एनी पॉइंट, मतलब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये सुनो। और क्योंकि DL और B का डायरेक्शन सेम है, DL और B का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b इंटू डी एल कॉस जीरो, यस नो, कॉस जीरो वन होता है मेरा और b कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसे b इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू जीरो आई लिख सकता हूं। अब डीएल का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर होगा, मतलब इसे मैं p इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई लिख सकता हूं, मतलब b जो होगा मेरा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही तो है मेरा, यस नो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एम आई क्लियर और नॉट, ये हम ऑब्टेन किए हैं बाय एम्पियर सर्क्यूट लॉ। याद रखिएगा b कांस्टेंट है यहां पे, B और DL का जो डायरेक्शन है, जो एंगल है उनके बीच में वो जीरो डिग्री है, तो B डॉट DL क्या होगा, B इंटू DL cos जीरो, cos जीरो वन होता है, B कांस्टेंट है मेरा, मैग्नीट्यूड सेम होगा थ्रू आउट, ये सुनो। चलो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने।
Young's double slit experiment is performed by a student. The examiner gives the following instruction to the student. बच्चा परफॉर्म कर रहा था और जो एग्जामिनर था वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, भाई ऐसे करो. State whether the responses of the student in each cases are correct or incorrect. Give a reason for your answer. और एग्जामिनर जो बोल रहा था उसके रिस्पॉन्स में बच्चा कुछ कर रहा था, तो क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वही हमें निकालना है. पहला केस में जो एग्जामिनर है उन्होंने बोला है द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड. फ्रिंज आर टू क्राउडेड, बहुत पास है, ठीक है. इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस. इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, ठीक है. उसने बोला कि भैया बहुत करीब है, आप इसके फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओ. तो बच्चे ने क्या किया, ही इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, थिंकिंग दैट डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस इंक्रीजेस. ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, तो उसने ही इंक्रीज्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. अब देखो ध्यान से, जो फ्रिंज, क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट, जो फ्रिंज विथ होता है, जो फ्रिंज विथ होता है वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. ये सुनो, वे स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट. अब बच्चे ने क्या किया है, ही इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, सो डी को बढ़ा दिया. अब डी को बढ़ा दिया तो फ्रिंज विथ तो भैया घट जाएगा. मतलब मान लो ये आपके फ्रिंजेस है, ठीक है, ये पहले से क्राउडेड थे, ये फ्रिंज विथ है, तो जब बच्चे ने डी को बढ़ा दिया तो फ्रिंज विथ तो कम हो गए, तो ये और क्लोज हो गए, और क्लोज हो गए, मतलब और क्राउडेड हो गए. ये सुनो, मतलब ये इनकरेक्ट था, जो बच्चे ने किया वो इनकरेक्ट था. द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज. नहीं, ये गलत किया बच्चा, क्योंकि वो फ्रिंज जो है और क्राउडेड हो जाएगा, ठीक है. तो पहला तो उसने रॉन्ग किया, ठीक है. इनकरेक्ट लिखना और लिखना, ये रीजन ये लिखना, ये लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा कि भैया स्मॉल डी को बढ़ाया है तो फ्रिंज विथ तो घट जाएगा, मतलब और क्राउडेड हो जाएगा. हम क्लियर. नंबर टू देखते हैं. ब्राइट फ्रिंज आर नॉट वेरी ब्राइट, इंक्रीज देयर ब्राइटनेस. एग्जामिनर ने कहा, ब्राइटनेस को इंक्रीज करो. ब्राइट फ्रिंज आर नॉट वेरी ब्राइट, इंक्रीज देयर ब्राइटनेस. बच्चे ने क्या किया, द स्टूडेंट मूव्स द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द टू स्लिट. सोर्स ऑफ लाइट को स्टूडेंट ने क्या किया, मूव्स सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द टू स्लिट्स. देखिए, समझिए बात को, समझिए. ये आपका सोर्स था, ये आपका स्लिट S1, ये आपका स्लिट S2 था, ये स्क्रीन था, ठीक है. तो बच्चे ने इसको इधर मूव किया. अब जैसे ही ये इधर मूव होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी विल इंक्रीज. ये सुनो, और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्राइटनेस भी बढ़ेगा. इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगा, मतलब बच्चे ने करेक्ट किया, इट वॉज अ करेक्ट मूव. सॉरी, इट वॉज अ करेक्ट मूव बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इसको इसको क्लोज ले आएगा तो इंटेंसिटी तो बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा. खत्म, बड़ा सिंपल था, ये करेक्ट था भाई. थर्ड देखते, थर्ड क्या किया, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा. बोला कंपेयर करो डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द फर्स्ट मैक्सिमा विद द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा. कंपेरिजन बोला है डिस्टेंस को. स्टूडेंट ने मेजर किया, कंपेयर बोला है, फ्रिंज विथ को कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है.
स्टूडेंट ने क्या किया, ही मेजर्स एंड स्टेट्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा इज मोर देन दैट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा. बोल रहा है कि भैया डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा एंड द सेंट्रल इज मोर देन द बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड. ज्यादा बोला है बच्चा, बोला कि नहीं, कंपेयर किया तो बोला कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है. गलत है, इनकरेक्ट है. ये जाहिर सी बात है, इनकरेक्ट है. बड़ा ही सिंपल सा आंसर है भैया, जो फ्रिंज विथ होता है वो कॉन्स्टेंट है. ये सुनो तो सेम ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा ज्यादा होगा कम होगा. स्टूडेंट मेजर्स एंड स्टेट दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा इज मोर देन दैट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा. ये गलत बात है, बिकॉज जो फ्रिंज विथ है वो कॉन्स्टेंट होता है तो सेम ही होगा. इज इट क्लियर? चलो, ये था नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का. तो हम लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. सेक्शन डी के क्वेश्चंस बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. चलो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.